नमस्कार, प्रणाम करतनी भोजपुरी सुने वाला सारा श्रोता लोग के, भोजपुरी देखे वाला सारा दर्शक लोग के। आज हम बात करे वाला बानी अपन स्पेशल प्रोग्राम में बिहार से जुड़ल कुछ खास खबर। यानी हर दिन तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल कुछ खबर लेके आए नहीं, लेकिन आज हम बिहार से जुड़ल कुछ खबर लेके आए बानी। जैसे पिछले दिन हम लेके आए रहनी बिहार के प्रसिद्ध स्थल के और बिहार के लालू प्रसाद यादव के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन आज हम बात करे वाला बानी बिहार के प्रसिद्ध भोजन के बारे में। बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध भोजन सबसे ज़्यादा तो लोग लिट्टी चोखा के ही जानेला, लेकिन लिट्टी चोखा के अलावा भी कुछ और बिहार के प्रसिद्ध भोजन बाटे जौना के बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करेला, जौन खास करके पूजा पाठ में भी बनेला। ज़्यादातर हर घर में बिहार में जितना भी लोग बाटे हर कोई अपना अपना घर में वो बना के खाला। जी हाँ, आज हम ओकरे बारे में बात करे वाला बानी। ऐसे तो दूर दूर तक बिहार के लिट्टी चोखा के नाम बहुत ही प्रसिद्ध बाटे कि बिहार के सबसे मशहूर भोजन लिट्टी चोखा ही है, लेकिन लिट्टी चोखा से हट के भी कुछ और भोजन बाटे। तो चलिए वो लोग बताओ तनी कि आखिर बिहार के लिट्टी चोखा से हट के कौन ऐसा भोजन बाटे। बता दें कि लिट्टी चोखा के बाद बिहार के दूसरका नंबर पर दही और चूड़ा आवेला, जौना के काफ़ी बिहार के लोग पसंद करेला और इत्मीनान से बैठ के और भोजन के सेवन करेला यानी खाला। बता दी कि खास करके ये भोजन के सबसे ज़्यादा महत्व तो खिचड़ी यानी मकर संक्रांति के दिन बिहार में बहुत महत्वपूर्ण बाटे दही और चिवड़ा के बारे में। लेकिन बता दी कि मकर संक्रांति के अलावा भी रउआ पटना, छपरा, सिवान, गोपालगंज और सहरसा तमाम जगह पर जाएं, बड़ा बड़ा शहर में, तो वहाँ रउआ लोग के स्पेशल दही और चिवड़ा के होटल मिली रउआ लोग के, जहाँ में सिर्फ दही और चूड़ा ही खियाओ जाला। यानी 24 घंटा और 12 माह यानी रउआ वो होटल खुला मिली, चाहे ठंडी होके या फिर गर्मी होके या फिर बरसात होके, और वहाँ खाए वाला लोग के लाइन लगेला। इधर दही चूड़ा के बारे में बात हो गई, तो चलिए वह बात करे तनी बिहार के और मालपुआ के बारे में। बिहार के प्रसिद्ध भोजन, प्रसिद्ध मिठाई मालपुआ, जौन होली के मौसम के, जैसे होली आ रहा बा तो होली के मौका पर बनेला। तो चलिए ऐसे भी जुड़ल और तमाम बिहार के प्रसिद्ध भोजन बाटे सबके बारे में बताएं। मोकरा खातिर रउआ लोग के एक नज़र डाले के पड़ी हमारे खास खबर के तरफ। तो बिना देरी करते हुए डाली एक नज़र हमारी खास खबर के तरफ। दुनिया भर में बिहार के एगो अपन अलग ही पहचान बाटे। राज्य के संस्कृति और भाषा एगो अनूठा रहल बाटे। बता दें कि ये सिर्फ अपना देश में ही ना बल्कि पूरा दुनिया में भी बिहार के एगो विरासत फैलल बाटे और बिहार के बारे में दुनिया के हर एक आदमी की जानकारी बाटे। लेकिन चलिए हम बात करतनी बिहार के कुछ महत्वपूर्ण भोजन के बारे में कि आखिर बिहार के महत्वपूर्ण भोजन का चीज हटे। जैसे कि वो लोग हमारे खास प्रोग्राम में दू नाम भी बताई नहीं है, लेकिन और का बाटे ये भोजन में खासियत, ये सब के बारे में हम वो लोग से आज बताए वाला बानी। बता दें कि बिहार के सबसे मशहूर भोजन लिट्टी चोखा के माना जाला। जी हाँ, लिट्टी चोखा सबसे मशहूर बाटे। बिहार के कोनो भी कोना में चल जाइए अगर वहाँ रुआ लोग लिट्टी चोखा जरूर मिली। अगर बिहार में आई बनिए लिट्टी चोखा नहीं ही खेले फिर वो बिहार में इला के कोनो फायदा ना रह गई। यानी बिहार में जब भी आए तो लिट्टी चोखा खा के ही जाए। बता दें कि लिट्टी चोखा के सबसे मेहनत लागेला एक भोजन के बनाए में, और फिर भी बिहार के लोग एकरा के अपन एगो प्रसिद्ध भोजन के तौर पर रख ले बा और एकरा के हर समय लोग उपलब्ध कराएला, जे भी बाहरी से घूमे आएला और लोग के खिलावेला। यानी कहे के मतलब ये बाटे कि वो बिहार में जब भी आई तो लिट्टी चोखा खा के ही जाई। तो उहे बात करते नहीं बिहार के दूसरा का प्रसिद्ध खाना दही चूड़ा के बारे में। बता दें कि बिहार के दूसरा प्रसिद्ध खाना दही चूड़ा हटे, जौना के काफ़ी लोग पसंद करेला। बिहार में कई गो बड़ा बड़ा शहर में एकर स्पेशल दुकान भी बाड़ी सन दही चूड़ा के नाम पर, जहाँ 12 मास दही चूड़ा उपलब्ध करावल जाला घूमे वाला लोगन खातिर, चाहे जे भी दही चूड़ा पसंद करता वो लोग खातिर 12 मास। लेकिन सबसे ज़्यादा दही चूड़ा
मकर संक्रांति के दिन ही पसंद कर जाला। चलिए हुए बात करता नहीं बिहार के तीसरा खाना यानी ठेकुआ के बारे में। बता दिए कि ठेकुआ के बिहार में दूसरा नाम खजूर के नाम से भी जाना जाला। ये खाना के खास करके पूजा पाठ में बनावा जाला, लेकिन बिहार के एगो प्रसिद्ध मिठाई के भी रूप में एकरा के माना जाला ठेकुआ, जौन बिहार में हर समय जो भी पूजा पाठ होकेला, खास करके छठ पूजा, दीपावली, ये समय बिहार के ठेकुआ बनावा जाला, हर घर में बनेला। लेकिन बिहार के शहर में भी ये उपलब्ध बाटे ठेकुआ, और काफ़ी ज़्यादा लोग ये ठेकुआ के पसंद भी करेला। बता दें कि मैं खास बात ये बाटे कि आम आदमी के घर में भी ये ठेकुआ बनावा जाला। ये ठेकुआ लचीला और स्वाद में काफ़ी मशहूर होकेला। बता दें कि घर में कोई मेहमान आए और ठेकुआ ना बने ऐसा का हो नहीं सकत। चाहे रहुआ तमाम तरह के खाना पीना बना ली, अगर ठेकुआ बना देनी घर में तो सारा खाना के महत्व और सम्मान बढ़ जाला। और ठेकुआ ज़्यादातर लोग बिहार के कहीं भी जाला तो अपना ठेकुआ के बिल्कुल ना भुलाएला। तो चलिए बता दें कि सबसे ज़्यादा ठेकुआ छठ पूजा के दौरान ही लोग पसंद करेला, और छठ पूजा में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व बा। बिहार के सर्वश्रेष्ठ पर्व छठ पूजा, वही तरह बिहार के सर्वश्रेष्ठ खाना यानी मिठाई ठेकुआ होकेला। बता दी एकरा के गेहूं के आटा और चीनी और गुड़ में मिला के बनावा जाला, और ओकरा के तेल में छाना जाला। ओकरा बाद चलिए उहे बात करता नहीं बिहार के तीसरा चौथा भोजन के तरफ यानी मलपुआ के बारे में। जी हाँ, मलपुआ बिहार के नंबर वन मिठाई के रूप में माना जाला। यानी बिहार में रहुआ आईनी और मलपुआ ना खैनी तो रुआ कुछ ना खैनी। जी हाँ, बिहार के अगर वह मलपुआ खा लेनी और ये डिश के रुआ पसंद कर लेनी, अगर थोड़ा सा भी खा लेनी तो रुआ अपन उंगली चाटत रह जा, मेकरा में इतना ना स्वाद होकेला, इतना स्वादिष्ट होकेला। खास करके रोला के बता दें कि मीठा खाए वाला लोग जितना भी शौकीन बाटे वो बिहार जाके जरूर मलपुआ खाएला। मलपुआ हर जगह पर स्थित बाटे, बिहार के छोटा छोटा बाजार से लेके बड़ा बड़ा शहर में भी मलपुआ के अपन एगो अलग ही पहचान बाटे। हर कोई अपना अपना बाजार में मलपुआ के दुकान खोल के बैठल बाटे। यानी जे भी घूमे वाला बाटे, जे भी मलपुआ के शौकीन बाटे, वो बैठ के वहाँ मलपुआ जरूर खाला। लेकिन सबसे ज़्यादा पटना शहर में मलपुआ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध बाटे। पटना में रोज आई और मलपुआ ज़रूर सेवन करी। बता दें कि एक सबसे ज़्यादा महत्व दीपावली और होली के त्यौहार में बहुत ही ज़्यादा महत्व बाटे मलपुआ के। चलिए उन्हें बात करता नहीं रोल के बता दें कि मलपुआ आखिर काची से बनाओ जला। तो बता दें कि आटा, दूध और चीनी के मिला के और कुचला हुआ केला डाल के मलपुआ के तैयार कर जला, और एकरा के तेल में तलल जला। ओकरा बाद मलपुआ के जन स्वाद आवेला भैया का बताई हम। लेकिन बता दें कि मलपुआ के अगर घर में बनत होके तो साइड से जे भी गुजरेला तो मलपुआ खींच दौड़ल दौड़ल मलपुआ के तरफ चलावेला लो। मलपुआ के इतना शक्ति बाटे अपने आप में। लेकिन चलिए बात करता नहीं बिहार के अगला भोजन यानी दाल पूड़ी के बारे में। जी हाँ, बिहार के दाल पूड़ी खाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बाटे। बिहार के ये दाल पूड़ी खाना सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण बाटे, काहे कि दशहरा पूजा के मौसम पर एकरा के बनावा जाला। ये भी आटा और दाल के पेस्ट करके बनावा जाला। आटा के अच्छा तरह से गूंध के और दाल के ओकरा अंदर भर के और एकरा के तावा पर या फिर कराह में तल के और खीर के साथे खाई या फिर अचार के साथे खाई, भैया दिल गदगद हो जाला। बिहार के दलपूड़ी भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर चीज़ बाटे। और बात करी बिहार के खाजा के बारे में तो बता दें कि बिहार में गोवा के खाजा काफ़ी ज़्यादा मशहूर बाटे। जी हाँ, बिहार के गोवा के खाजा सबसे ज़्यादा मशहूर बाटे। जितना भी पर्यटन लोग घूमे जाला गोवा में, वो बिहार में जाके और बिहार के गोवा के खाजा बिल्कुल ही खाएला। तो वो लोग अगर समय मिलता जाए के बिहार में, अगर बिहार में बानी तो ज़रूर ये सारे के सारा मशहूर चीज़ के खा के ही आई, ताकि वो बिहार के मिठाई मलपुआ और बिहार के प्रसिद्ध मिठाई ठेकुआ ज़रूर ही खा के आई। कैसे रुआ खा के आई ओकरा बाद से बताई कि वाकई में बिहार के मिठाई में का स्वाद बाटे। जैसे कि रे वाला देखने लो कि आखिर बिहार के लिट्टी चोखा के अलावा भी बिहार में
एक से एक भोजन प्रसिद्ध बाटे जौना के काफी बिहार के लोग इत्मीनान से बनावेला और प्रेम से खाला और अपना आस पड़ोस के लोगन में बांट के भी मिलजुल के भी खाला। जी हाँ, बता दें कि बिहार के सबसे प्रसिद्ध मिठाई मालपुआ जौना के बारे में रोलो को बताई नहीं, लेकिन रोलो को बता दें कि ऐसे ही हमारा चैनल से रोलो बनल रहे ताकि बिहार के हर एक चीज के बारे में रोलो की जानकारी हम देते रहें और बिहार से जुड़ल एक एक चीज यानी मिट्टी से जुड़ल हर एक चीज बारे में देते रहें। तो एक खातिर रोलो के अगर बिहार से जुड़ल हर एक खबर चाहिए तो खातिर रोलो हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करल बिल्कुल ना भूलें। अब सब्सक्राइब कैले के बाद भैया बेल आइकन भी दबा दें, कैसे बेल आइकन ना दबाएं तो रुआ अपडेट ना मिल पाई और हम एनी टाइम हर समय बिहार से जुड़ल कुछ खबर रोलो के सामने देते रहें। जौन रोलो जीके जीएस में भी काम करी, जौन लड़का पढ़त हुए सन ओकनी खातिर भी बहुत ही मशहूर बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो रोलो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेलो और बेल आइकन जरूर दबा दे लो। कैसे अब दी लो हमारा के इजाजत, कैसे बिहार के खबर ढूंढे खातिर हमारा रोलो से इजाजत लेवे के पड़ी और वहाँ से कुछ यूनिक चीज ला कर रोलो के देवे खातिर हमारा इजाजत लेवे के पड़ी रोलो से और दे दिलो हमारा इजाजत। कैसे कल फिर हम लेके आए ऐसे ही कुछ बिहार से जुड़ी खबर। नमस्कार।